हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया एक न्यूमेरिकल को अपन सॉल्व करने वाले हैं बाय फॉलोइंग द नियम्स एंड रूल्स ऑफ मिड पॉइंट अल्गोरिदम, मिड पॉइंट सर्कल ड्रॉइंग अल्गोरिदम, जिसके बारे में भैया पिछले वीडियो में ही डिटेल में अपन ने चर्चा की है, समझाए, डेरिवेशन, फॉर्मूले, फंडे तक पहुंचे हैं, उन्हीं को अभी यहाँ पे अप्लाई करना है और कुछ आंकड़ों तक, कुछ रिजल्ट्स तक अपने को पहुंचना है, कुछ कोऑर्डिनेट्स तक पहुंचना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की बारात लगी हुई है, कैसी इन कोऑर्डिनेट्स की बारात मैंने लगाई है, क्या सिस्टम फॉलो किया है, किस तरीके से स्टेप्स फॉलो किए हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पे आज बताने वाला हूँ। तो यार देखो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, आपको जो ओरिजिन कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है 0.0 और आपको रेडियस जो है वो दिया हुआ है सर्कल का, दैट इज नथिंग बट 10। तो 10 रेडियस जो है आपको अपने सर्कल का गिवन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। कैसे, किन नियमों को फॉलो करते हुए, मिड पॉइंट अल्गोरिदम के नियमों को फॉलो करते हुए। अब यहां पे अगर वो नियम अपने को फॉलो करने हैं तो सबसे पहला स्टेप अपना क्या होता है कि चलो इनिशियली कुछ एक कोऑर्डिनेट अपन कंसिडर करते हैं। तो कौन सा वो कोऑर्डिनेट कंसिडर अपन करेंगे, एक्स के और वाई के, जो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन, इन दोनों से। अब ऑब्वियस ही बात है, यहां पे अपना 0.0 अपने को दिया हुआ है, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, और यहां पे सर्कल का जो रेडियस है वो आर इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना जो पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स कॉमा वाई क्या होगा, इट विल बी 0.10, और वही पॉइंट मैंने यहाँ पे 0.10 पहली स्टेप में अपन ने कंसिडर कर लिया है। अब उसके बेसिस पे आगे अपन बढ़ते हुए जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। स्टेप नंबर 2, दैट इज द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर डी नॉट, इसके बारे में भी पता अपने को लगना चाहिए, विच वी आर कंसिडरिंग 1-r। इन केस ऑफ इंटीजर भैया अपन इनिशियल जो डिसीजन पैरामीटर है वो कंसिडर करते हैं 1-r, और यहाँ पे अपना r 10 है तो 1-10 निकल के आ जाता है -9। -9 से अपने को क्या पता चलता है, -9 से ये पता चलता है कि भैया आपका जो डिनोट, दैट इज जो आपका डिसीजन पैरामीटर है, वो लेस देन 0 है। अगर आपका डिसीजन पैरामीटर लेस देन 0 होता है तो आपको क्या करना है, कौन से फॉर्मूले अप्लाई करने हैं जिससे कि आपको अगला एक्स y और d की वैल्यू प्राप्त हो सके, ये मैंने यहां पे लिख दिया है, ये फॉर्मूले फंडे यहां लिख दिए, ये कंप्यूटेशन आपको करना है। तो भैया देखो तीसरा स्टेप क्या है कि आपको भैया देखने को मिल गया है कि d की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, तो उसके बेसिस पे x के प्लस 1 मतलब अगला x की वैल्यू क्या होगी, अभी x की वैल्यू 0 है, नेक्स्ट x की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी प्लस 1, उसमें सिर्फ प्लस 1 करना होता है, वो आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई 1। y के प्लस 1 क्या होगा, इट विल बी सिंपली y के, वो आपका y के ही रहेगा, दैट इज 10। तो आपकी अगले कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से आ गए, 1.0। जैसे आप देख सकते हो d के प्लस 1 और x के प्लस 1, y के प्लस 1 की वैल्यूज मैंने यहां मेंशन की है। तो व्हाट यू हैव गॉट फॉर -9, आपका जो -9 है दैट इज d के, आपका क्या आ गया -9 आया, d के प्लस 1 क्या आया, इस फॉर्मूले को फॉलो करो, d के प्लस ट्वाइस ऑफ x के प्लस 3, तो वो -6 निकल के आ जाएगा। सिंपल फंड आया, देखो -9 है प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स के क्या है 0 है, तो वो आप 0 हो जाएगा प्लस 3, तो -9 प्लस 3 क्या हो जाता है -6, तो यहाँ पे -6। तो फॉर द वैल्यू ऑफ -9 एंड -6 ऑफ d के प्लस 1 रिस्पेक्टिवली, आप एक्स वाई नेक्स्ट कौन सा जनरेट कर रहे हो, 1.10, तो 1.10 आपने जनरेट कर दिया है। यहाँ तक आप स्टेप में आ गए, अब यही चीज़ आपको रिपीट करनी है। क्या रिपीट करनी है, आपको जो अब ये dk आया है ये वापस से चेक करना है, ये वापस चेक करना है कि ये लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। तो ऑब्वियसली आपको यहां देखने को मिल जाएगा कि ये वैल्यू आपकी लेस देन 0 दिखाई दे रही है, देन वापस से आपको यू हैव टू गो अगेन टू दिस स्टेप, इसी स्टेप पे जाना है जहां पे x के y के अभी आपका 1.10 होगा। यही चीजें आप वापस से रिपीट करोगे, वापस से नया d के फाइंड करोगे, उसको आप पता करोगे भैया वो लेस देन है या ग्रेटर देन 0, उस हिसाब से फॉर्मूले फंडे आप लगाते जाओगे, ये करते जाओगे, कब तक करते जाओगे, एट वॉट पॉइंट यू विल स्टॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एट द पॉइंट यू विल स्टॉप, वो कंडीशन यहां मैंने मेंशन कर दी है, आप तब तक करते जाओगे जब तक एक्स के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई के प्लस 1 नहीं हो जाता, तब तक जैसे आपको ये कंडीशन दिख जाएगी होते हुए कि अरे हाँ यार एक्स तो भैया वाई से ग्रेटर होने जा रहा है या इक्वल टू हो रहा है, आपने रुक जाना है। अभी कहाँ रुकता है, कैसे रुकता है, वो भी मैं आपको इलस्ट्रेट करने वाला हूँ। तो यार देखो, मैंने ये स्टेप्स परफॉर्म किए, ये स्टेप नंबर 1, ये रिजल्ट तो आपने देख लिया, वापस से इसको आगे मैंने डाला, ये स्टेप नंबर 2 जहाँ पे अपनी वैल्यू -1 आई है। अब यहाँ वैल्यू -1 आई है मतलब अपने को वापस से इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा बेस्ड अपॉन दिस एक्स के प्लस 1 एंड वाई के प्लस 1। वापस से अपन थर्ड स्टेप पे जाते हैं, तीसरी बार एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने को ये वैल्यूज मिलती हैं, चौथी बार एग्जीक्यूट करते हैं, पांचवी बार एग्जीक्यूट करते हैं, छठी बार एग्जीक्यूट करते हैं, तो छठी बार के बाद अपन रुक जाते हैं। क्यों, लेट सी वाई, छठी बार के बाद क्यों रुकते हैं, क्योंकि देखो यहां पे अपना डी के की वैल्यू क्या है, इट इज नथिंग बट 8, डी के प्लस 1 की वैल्यू क्या है 5, और यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या है 6.8।
अब हम क्या करते हैं, इसके आगे खुद जाके देखते हैं कि यहां पे क्यों रुका है, क्या ये कंडीशन ट्रू हो जाती है इसलिए हम रुके हैं। चलो चेक करते हैं, यहां पे क्या है भैया, डीके प्लस वन क्या आ गया, 5। मतलब क्या है, उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, ये फॉर्मूला फंडा आपको लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंडा लगाना पड़ेगा। दैट इज क्या कहता है वो, एक्स के प्लस वन विल बी इक्वल टू एक्स के प्लस वन। अब यहां पर आप देखोगे एक्स के क्या है आपका 6, 6 प्लस वन कितना होता है 7, सही बात है। अब y के प्लस वन क्या होगा, y के माइनस वन। अब यहां y के क्या है आपका सिंपली इक्वल टू 8। अब ये 8 माइनस वन क्या हो जाएगा, ये अपन नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं जहां पे ये चीजें आपकी x के और y के कंसीडर की जाएंगी। तो यहां पे भैया आपका y के क्या है 8, 8 माइनस वन क्या हो गया 7 हो गया। अब आपको रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, रुकना ही चाहिए, रुकना तो बनता है क्योंकि यहाँ पे एक्स के और वाई के आपका दोनों के दोनों जो है सेम आ गए, मतलब एक्स के प्लस वन वाई के प्लस वन दोनों के दोनों सेम आ गए, तो कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, तो आपको यहाँ पे रुक जाना है। तो ये जो भी आपका कोऑर्डिनेट्स जनरेट किए हैं वो ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपने जो जनरेट किए, दैट इज इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट कोऑर्डिनेट्स जो आपने अभी तक जनरेट किए हैं, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। अगर आपको सेकंड ऑक्टेट चाहिए होगा तो सेकंड ऑक्टेट के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको मिरर कर देना है। मिरर मतलब एक्स का वाई, वाई का एक्स, इस तरीके से कर देना है जैसा कि आप देख सकते हो, और वो भी ऐसे इस हिसाब से करना है, इस हिसाब से जैसे अपन नहीं करते यार, देखो एक पन्ना होता है बराबर है, पन्ने के आधे वाले सेक्शन में अपन एक इंक फेंक देते हैं और उस पन्ने को अपन क्लोज करते हैं तो उसका जो मिरर इमेज है उस इंक का सेकंड हाफ ऑफ द पेज के ऊपर आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं 6.8 जो बॉटम वन है आपके ऑक्टेट ऑक्टेट वन का, तो वो टॉप वन बन जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑक्टेट टू। तो 6.8 का 8.6 हो गया, 5.9 का 9.5, 4.9 का 9.4, 3.10 का 10.3, 2.10 का 10.2, 1.10 का 10.1 और 0.10 का 10.0। इस तरीके से ये तो आपका ऑक्टेट 1 था, तो ये आपका बन गया ऑक्टेट 2। बस अब ये ऑक्टेट 1 और ऑक्टेट 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाता है आपके क्वाड्रेंट 1 को। वो क्या बनाता है आपके क्वाड्रेंट 1 को, जो कि सिग्निफाई किया जाता है बाय एक्स कॉमा वाई। मतलब यहाँ पे आपके जो भी एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव यहाँ रहने वाली है। अब इसके बाद ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, इसके बाद आपको सिर्फ साइंस लगाते जाना है, नेगेटिव साइन का है पॉजिटिव साइन का है ये आपको पता होना चाहिए, बस साइंस आपको लगाते जाना है। जैसे कि अभी आपने Q1 किया, अब आप क्या करो, सिंपल प्रोसीजर बताता हूँ, Q2, Q3, Q4 तीनों जो बचे हुए आपके रिमेनिंग क्वाड्रेंट्स हैं आपके सर्कल के, ऑब्वियसली आपको उनके लिए भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो वो जनरेट करने के लिए पहले एक ऐसा टेबल बना दो, ठीक है। अब करो क्या, ये जो भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मेंशनड है ये लिख दो, ये लिख दो, रेप्लीकेट दीज कोऑर्डिनेट्स 3 times इन दीज 3 columns, रेप्लीकेट कर दो। सिंपली रेप्लीकेट करने के बाद क्या करना, ये साइंस के ऊपर ध्यान देना कि क्वाड्रेंट 2 में कौन सा साइन सिंबल जो है वो चलता है, माइनस एक्स कॉमा वाई, यहां कौन सा चलता है भैया साइन, यहां चलता है माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई क्वाड्रेंट 3, और क्वाड्रेंट 4 में क्या चलता है एक्स कॉमा माइनस वाई। तो जहां जहां आपको एक्स के आगे यहां माइनस माइनस दिख रहा है तो सारे इनके एक्स के आगे माइनस लगा दो, वाई वैसा ही रखो। इस वाले क्वाड्रेंट में दोनों में माइनस है तो दोनों में माइनस लगाते जाओ, लास्ट वाले क्वाड्रेंट में वाई में माइनस दिख रहा है तो सिर्फ वाई में माइनस लगाओ, एक्स को ऐसा का ऐसा रहने दो। तो फाइनली आपने पूरा सर्कल जनरेट या ड्रॉ करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है वो आप यहां पे इस टेबल के रूप में जनरेट कर चुके हो। तो भैया ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था टू द प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो भैया इस तरीके से आपको अपने रिजल्ट्स तक जो है वो पहुंचना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए भैया आपको सारी चीजें, तमाम बातें जो इंप्लीमेंटेशन वाइज आपको समझनी चाहिए इस एल्गोरिथम से जुड़ी हुई वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई होंगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।